बागेश्वर से 250 कांग्रेस कार्यकर्ता हुए देहरादून के लिए रवाना। पांचवे दिन भी धरने पर डटे रहे संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी। वाहनों की फिटनेस निजी हाथों में दिए जाने पर टैक्सी चालक हुए नाराज। बागेश्वर जिला पंचायत की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। देहरादून में कल 28 जनवरी को आयोजित होने वाले विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिले से 250 कांग्रेस कार्यकर्ता बागेश्वर से देहरादून रवाना हो गए। बता दें कि जिला अध्यक्ष भगवत डसीला के नेतृत्व में कार्यकर्ता शनिवार को गरुड़ टैक्सी स्टैंड में एकत्रित हुए। यहां से बसों और टैक्सियों में बैठकर रवाना हुए। वहीं जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने कहा कि देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँच रहे हैं। के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल 28 तारीख को एक विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें जनपद बागेश्वर के समस्त अनुसंगिक प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षगण और उनके कार्यकर्तागण और जिला कांग्रेस कमेटी और सब लोग हम जो है एक रैली के माध्यम से, बसों के माध्यम से, छोटी गाड़ियों के माध्यम से देहरादून को प्रस्थान कर रहे हैं, और जो कि हम कल उस विराट सम्मेलन में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसमें देहरादून मन्नू परेड जो ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पर एक विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें यहाँ से दर्जनों युवा कांग्रेस NUCI और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर सम्मेलन में पहुँचेंगे। और वहाँ से आज लोकसभा चुनाव की भी हम पूरे उत्तराखंड में बिगुल फूकने का काम करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है जिस कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है और महिलाओं पर उत्पीड़न और महिलाओं की हत्या और उनके साथ BJP के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा बलात्कार की जो घटना की जा रही है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है, और इस बार 5 सीट कांग्रेस की जिता के हम केंद्र में भेजेंगे। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून पे पहुंच रहे हैं, और हम यहाँ बागेश्वर से माननीय जिलाध्यक्ष जी भगत डिसला जी के नेतृत्व में हम यहाँ से युवा कांग्रेस और NUCI और तमाम जितने फ्रंटल संगठन है सभी लोग मिला के हम यहाँ से 2 बसें और 4-5 गाड़ियाँ जा रही हैं, और हम अपने यहाँ से ये संदेश लेके जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो इतना भ्रष्टाचार कर रखा है और इतना जो भी नौकरियाँ हैं उन पर CBI जाँच नहीं की कर रखी है, और जिस क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक हैं वहाँ इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष है उसके द्वारा एक महिला का यौन शोषण कर रखा है, और यहाँ बागेश्वर जनपद में विगत महीने यहाँ पर एक विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप कर रखा है। तो इस संदेश को लेकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, और हम 2024 की लोकसभा तैयारी के लिए भी हम यहाँ से जाएंगे। उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के एकीकरण राष्ट्रीयकरण की मांग जारी है। बता दें कि कर्मचारियों ने शनिवार को तीसरे दिन भी 2 घंटे का धरना दिया और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने जल निगम कार्यालय पर धरना दिया। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वयक मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश सिंह राणा ने कहा कि पेयजल निगम और जल संस्थान का एकीकरण नहीं हो सका है। ये मांग लंबे समय से शासन स्तर पर विचाराधीन है, जबकि देश के लगभग 24 राज्यों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था के लिए राजकीय एकीकृत विभाग स्थापित है। देखिए, जो धरना प्रदर्शन है हमारा, ये हमारा जो उत्तराखंड पेयजल निगम है उसके जो काम शासन स्तर से जो है ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो शाखाएं हैं और शहरी विकास विभाग की जो शाखाएं हैं उनको दे दिए गए हैं, जबकि काम हमारे हैं और हम लोग वाटर सप्लाई में और सीवरेज में ही हमारे डिवीज़न जो है काम करते हैं, तो हमारे काम हटाकर किसी और एजेंसी को दे दिए गए हैं, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर यही बैठे हैं। और हमारा जो मुख्य जो और भी मांगे हैं वो तो एक राजकीयकरण का तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन मुख्य मांग जो इस बार जो हम लोग जो सांकेतिक धरने पे बैठे हैं तो वो यही मांग हमारी है कि हमारे काम हमारे विभाग को दिए जाए। बाकी ये हमारी मांग है, हमारा 20 तारीख से सांकेतिक धरना था, आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार था, लेकिन शासन से हुई वार्ता के क्रम में और प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज हमने फिर से सांकेतिक धरना 10 से 12 बजे तक का किया है। डिमांड पहली तो मुख्य डिमांड हमारी राजकीयकरण को लेकर है, जल निगम जल संस्थान का एकीकरण, और उसके बाद हमारा जो एक कार्य छीन के ADB के थ्रू कराया जा रहा है
उसके लिए है हमारा दिन। वाहनों की फिटनेस निजी हाथों में दिए जाने पर टैक्सी मालिकों और चालकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विरोध में उन्होंने वाहन खड़े रखे और प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है। जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। टैक्सी यूनियन के हड़ताल पर जाने से लोग परेशान रहे। टैक्सी यूनियन मालिक चालक कल्याण समिति के तत्वाधान में चालक और मालिक कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए, यह नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार निजी हाथों में वाहनों की फिटनेस दे रही है। फिटनेस सेंटर मनमानी पर उतर आए हैं। वहीं जिन वाहनों की फिटनेस 2500 में हो रही थी, उन्हें 9 से 10 हजार रूपए कर दिया गया है। अभी तक नैनीताल और उधमसिंह नगर में ये व्यवस्था लागू हुई है। भविष्य में सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने वाली है। जी, ये हमारे जो है महासंघ द्वारा आयोजित आज ये टैक्सी का जो बंद है, जो हमारी जो फिटनेस गाड़ियों की होती है, वो जो कोई भी वाहन है, निजी वाहन है, प्राइवेट वाहन है, और या कि हमारी टैक्सियां हैं, आज तो हमने खाली दो जिलों में इन्होंने जो है फिटनेस के काम को जो है उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में लागू किया गया है, जिसके विरोध में आज समस्त कुमाऊं मंडल में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक ये हमारा इसको सरकार इसको वापस नहीं लेती है तुरंत प्रभाव से, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे महासंघ के आदेशानुसार हम आगे को कार्रवाई करते रहेंगे, और आगे को और भीषण रूप लेगा ये आंदोलन, जिससे हमारी मांग सरकार तक पहुँचे। और आज जिलाधिकारी के माध्यम से, माननीय पुलिस अधीक्षक जी के माध्यम से जो है हमने मुख्यमंत्री जी और परिवहन सचिव और परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन देने का काम हम आज संगठन के समस्त बागेश्वर टैक्सी यूनियन के सदस्यों द्वारा। बागेश्वर जिला पंचायत की सामान्य बैठक में जिले के विकास के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में जिला पंचायत के सभागार के निर्माण पर चर्चा की गई। सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत का भवन काफी पुराना हो गया है, पुराने भवन को धरोहर के तौर पर संरक्षित किया जाएगा। बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला पंचायत को सौंपे। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि सदस्यों की मौजूदगी में बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। उन्होंने सभी सदस्यों से जिले के विकास में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है। आज जिला पंचायत की सामान्य बैठक थी, तो उसमें कई जो पूर्व में प्रस्ताव पास हुए थे उसके प्रस्ताव में जो कार्य करने थे उसके बारे में भी ये बैठक थी। और सबसे अहम बात, 15 वीत का जो हमारा ब्याज का पैसा था वो भी था, तो हमारे माननीय सदस्यों गणों द्वारा लंबे समय से प्रस्ताव रखा जा रहा था कि जो क्षेत्र में उन्होंने स्वच्छता में काम करना है और अन्य कार्य जो क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए वो खर्चा किया जाए, तो हमने 15 लाख रुपये उसमें से स्वच्छता के लिए रखा है। बाकी समस्त जिला पंचायत क्षेत्रों में 4-4 लाख रुपया रखा है उसमें से, तो उसको प्रत्येक मेंबर में अपनी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए कार्य योजना देंगे, वो बहुत जल्दी वो कार्य योजना शुरू की जाएंगी। ये बताइए कि जिला पंचायत का जो भवन है, सभागार है, ये बड़े खस्ताहाल स्थिति में है, आपके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, इसके निर्माण की कब से प्रक्रिया शुरू होने वाली है? जहाँ तक जिला पंचायत के जो ये बिल्डिंग है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये गांधी जी के समय का बना वाला बिल्डिंग है, तो इसको हम कुछ तोड़ फोड़नी करके इसको हम ऐसी ही इसमें जो हमारा रिपेयरिंग का काम है इसे हम सुधारेंगे। जो बगल में पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पैसा है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।